तो दोस्तों आप लोगों ने रील्स या शॉर्ट्स में ये वाली वीडियो क्लिप जरूर देखी होगी जहाँ पे एक लड़की दो दो लड़कों के साथ लगी पड़ी है। तो भाई इस मूवी का नाम है चैलेंजर्स। तो दोस्तों बात करते हैं, ये पूरी मूवी जो है उस वीडियो क्लिप की तरह ही है या फिर इसमें कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। दोस्तों ये मूवी जो है लव ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड रहने वाली है और भाई इस लव एंगल को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्रिएटर्स ने भाई इसमें टेनिस गेम का भी सहारा लिया है। भाई यहाँ पे मूवी की स्टोरी डिपेंड करती है यहाँ पे तीन करेक्टर के ऊपर, जहाँ पे भाई एक लड़की की वजह से दो जिगरी दोस्त के बीच में दरार पड़ जाती है। जहां पे हम लोगों को लड़की का नाम ताशी बताया गया है जो खुद एक टेनिस प्लेयर है, साथ में दो लड़के दिखाए गए हैं जो कि बचपन से भाई जिगरी दोस्त हैं, जिनमें एक का नाम भाई आर्ट है और दूसरे का नाम पैट्रिक है जो कि टेनिस प्लेयर ही रहते हैं। इन दोनों दोस्तों को ताशी नाम की लड़की पसंद आ जाती है, पर यहाँ पे उस लड़की का कहना यह था मैं उसी के साथ रहूंगी जो टेनिस गेम जीतेगा। और इस सीन को देख के एक चीज तो समझ में आती है कि एक अनसक्सेसफुल लड़की की जिंदगी गधे जैसी होती है, जिसे घर में रखना तो कोई नहीं चाहता बट यूज सब करना चाहते हैं। भाई अब उनके बीच में क्या होता है ये तो आप मूवी में ही देखोगे, बट कहीं ना कहीं भाई इस मूवी में आपको देखते टाइम लड़की के ऊपर ज्यादा गुस्सा आने वाला है। इस मूवी में जो लड़की दिखाई गई है उसे प्यार व्यार से कुछ भी मतलब नहीं है, यानी उन दोनों लड़कों से उसे मतलब नहीं है, वो सिर्फ ये चाहती है कि दोनों में से अगर कोई भी बेस्ट प्लेयर है तो वो उसके साथ रहना चाहती है। लड़की को सिर्फ भाई जीतने से मतलब है। और भाई जब ये चीज आप लोग देखोगे तो आप कहीं ना कहीं हर्ट इन लड़कों के लिए बुरा फील जरूर करोगे। मूवी तो बिल्कुल बच्चों के लिए नहीं है भाई, बच्चे इस मूवी से दूर रहें, क्योंकि इसमें न्यूड सीन, किसिंग, भाई सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं। पूरी फुल न्यूडिटी नहीं है बट भाई न्यूडिटी से कम भी नहीं है, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं दोनों लड़कों का यूज कर रही थी, कभी एक के साथ हो जाती है तो कभी दूसरे के साथ हो जाती है। बट भाई इस मूवी का लास्ट वाला जो सीन है काफी ज्यादा अच्छा है। मूवी का जो लास्ट वाला सीन है वो काफी ज्यादा अच्छा है, जहां पे दोनों लड़के समझ जाते हैं कि भाई लड़की वगैरह कुछ नहीं, भाई दोस्ती होनी ही चाहिए। तो इस मूवी का एंडिंग काफी ज्यादा सही है। आप लोगों को, बहुत सारे बंदों को इसका एंडिंग भी समझ में नहीं आएगा तो भाई फिर से एंड वाला सीन देखना, अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो भाई शुरुआत में एक सीन है उसको फिर से देखना, आपको पक्का समझ में आ जाए। और दोस्तों मूवी ज़्यादा बड़ी देखने के लिए नहीं मिलती है, 2 घंटे के आसपास की ही है, तो फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते हो, अकेले देखो मतलब ठीक ठाक मज़ा आएगा। एक्चुअली मुझे ज़्यादा लव ट्रायंगल मूवी पसंद नहीं है, तो जिसको पसंद है भाई वो जाके देखो, कमेंट करके बताना कि भाई आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी।